नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पदार्थ विज्ञान सेकंड पेपर अर्थात द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो पहला चैप्टर है उसका दूसरा लेक्चर अर्थात परीक्षा के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, प्रमा, प्रमेय, प्रमाता और प्रमाण, साथ ही साथ अप्रमा। तो यहां देख रहे होंगे प्रमा, अप्रमा, प्रमेय, प्रमाता और प्रमाण। यहाँ पर पांच टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल, मात्र एक एग्जाम्पल याद रखिएगा, सबका मीनिंग आपके सामने होगा, सबका अर्थ आपके सामने होगा और एक गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर चैनल बने रहेंगे तो आपको पूरा पूरा कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि व्हाट इज प्रमा, व्हाट इज अप्रमा, व्हाट इज प्रमेय, व्हाट इज प्रमाता और व्हाट इज प्रमाण। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर प्रमा, जैसा कि नाम है प्रमा, ठीक है ना। प्रमा का जो मीनिंग है वो है रियल नॉलेज। प्रमा को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नॉलेज। प्रमा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रियल नॉलेज या वैलिड एक्सपीरियंस भी बोलते हैं, रियल नॉलेज या वैलिड एक्सपीरियंस या ट्रू नॉलेज या परसेप्शन, है ना। ट्रू नॉलेज मतलब नॉलेज या ट्रू परसेप्शन या रियल परसेप्शन, इसको इस तरह से कह सकते हैं। अब देखेंगे कि इसको, इसी का हिंदी क्या है कि इसको प्रमा को हिंदी क्या कहते हैं, यथार्थ ज्ञान। प्रमा क्या है, यथार्थ ज्ञान या किसी वस्तु का वास्तविक स्वरूप। तो वास्तविक स्वरूप मतलब जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में जानना, समझना, उसका बोध होना, दैट इज कॉल्ड प्रमा, है ना। तो उसको बोलते हैं वास्तविक स्वरूप या यथा अर्थ ज्ञान, जो जैसे जो वस्तु जिस रूप में है उसे उस रूप में ग्रहण करना यह प्रमा कहलाता है। तो इसको हम लोग एक एक वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं कि यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहते हैं। तो यथार्थ ज्ञान को क्या कह सकते हैं, प्रमा कह सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है जो कि इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, देखेंगे, जो वस्तु जिस रूप में हो, जो वस्तु जिस रूप में हो उसे उसी रूप में अनुभव करने या ग्रहण करने की क्रिया को प्रमा कहते हैं। तो प्रमा क्या है, जो वस्तु जिस रूप में हो उसे उसी रूप में अनुभव करने या ग्रहण करने की क्रिया को प्रमा कहते हैं। इसको और भी आसान भाषा हम लोग समझे तो, जो वस्तु जहां है और जैसी है, मतलब जहां पर रखी है, जिस रूप में है, जहां है और जैसी है, उसका वैसा ही अनुभव करना या होना प्रमा कहलाता है। तो उदाहरण देके समझते हैं कि और आसान भाषा में कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ, यथा रजते इदम रजतम इति ज्ञानम, मतलब कि यथा रजते, अगर मतलब जैसे कहीं पर सोने का पात्र या सोना चांदी रखा हुआ हो, चांदी को चांदी समझना, चांदी को चांदी समझना प्रमा कहलाता है, ठीक है ना। तो यथा रजते इदम रजतम इति ज्ञानम, चांदी को चांदी ही समझना प्रमा कहलाता है। तो यहाँ पर देखेंगे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्रमा के साधन, प्रमा के साधन कौन कौन से होते हैं। साधन का मतलब क्या होता है कि प्रमा को जानने के कौन कौन से साधन है, है ना। तो उसमें देखेंगे प्रमेय है, प्रमाता है, प्रमाण है। तो ये प्रमा के साधन पूछा जाता है एमसीक्यू में, प्रमा के साधन है प्रमेय, प्रमाता, प्रमाण। दूसरा पॉइंट देख रहे होंगे अप्रमा, तो प्रमा का मतलब होता है कि जस्ट उसका अपोजिट जो होगा अप्रमा हो जाएगा। तो प्रमा को हम लोगों ने रियल नॉलेज कहा था, जो वस्तु जैसे है उसी रूप में ग्रहण करना प्रमा कहलाता है। यहाँ पर जस्ट अपोजिट आएगा अनरियल और वर्चुअल नॉलेज या स्यूडो नॉलेज हो जाएगा, अनरियल और वर्चुअल और स्यूडो नॉलेज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे आभासी ज्ञान और प्रमा, मतलब यहाँ पर प्रमा मतलब क्या था, यथार्थ ज्ञान, जो वस्तु जैसे है उसी रूप में जानना प्रमा कहलाता है। यहाँ पर क्या है, आभासी ज्ञान या अयथार्थ ज्ञान, समझ में आया। उसको देखेंगे अयथार्थ ज्ञान को अप्रमा कहते हैं, सेम इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जो वस्तु जैसी हो, तो जो वस्तु जैसी हो जिस रूप में हो उसे उसी रूप में अनुभव या ग्रहण न करना अप्रमा कहलाता है। जैसे एग्जांपल हम लोग ने इसका एग्जांपल पकड़िएगा, सबसे आसान इसका एग्जांपल कि किसी स्थान पर पड़ी हुई रस्सी, मान लीजिए किसी रास्ते में या किसी जगह पर रस्सी पड़ी हुई है, रस्सी पड़ी हुई है लेकिन अंधेरे की वजह से या अन्य किसी कारण से रस्सी न समझकर उसको सर्प या सांप समझना, तो रस्सी न समझकर सर्प या सांप समझना अप्रमा कहलाता है। जबकि है क्या, रस्सी है, बट उसको रस्सी न समझकर क्या समझना, सांप समझना अप्रमा कहलाता है। तो इसको इस तरह से कह सकते हैं कि जो रस्सी है उसको, रस्सी को रस्सी समझना तो प्रमा कहलाता है। अगर रस्सी रखी हुई है, रस्सी को रस्सी अगर नॉलेज मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रमा। पहला पॉइंट हो जाएगा प्रमा, मतलब कि
ये हो जाएगा रियल नॉलेज जाएगा। और रस्सी को रस्सी न समझकर क्या समझना, सांप समझना, सांप समझना या सर्प समझना, दैट इज कॉल्ड अप्रमा या अनरियल नॉलेज या वर्चुअल नॉलेज हो जाएगा या स्यूडो नॉलेज कहलाएगा। अब इसी एग्जांपल को हम आगे भी प्रयोग करेंगे, इसलिए इसको दोबारा फिर देखेंगे। अब आइए देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या होता है, प्रमेय। प्रमेय का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। प्रमेय का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट। हम लोग रस्सी की बात कर रहे हैं ना, कि रस्सी को रस्सी समझना, रस्सी को रस्सी ही समझना क्या कहलाएगा, प्रमा कहला रहा था। और दूसरा पॉइंट क्या है, रस्सी को रस्सी ने समझकर सांप समझना अप्रमा कहलाएगा। तो यहाँ पर रस्सी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो रस्सी जो है प्रमेय है ना, रस्सी क्या है, प्रमेय है। तो देखेंगे यहाँ पर रस्सी दैट इज ऑब्जेक्ट, यथार्थ ज्ञान का जो विषय होता है। तो हम लोग रस्सी का ज्ञान ले रहे थे, रस्सी को रस्सी समझ रहे थे, दैट इसको हम लोग प्रमा कह रहे थे। और कुछ लोग रस्सी को रस्सी न समझकर सांप समझ रहे थे, उसको अप्रमा कह रहे थे। लेकिन वो जो रस्सी है वो ऑब्जेक्ट है, तो यथार्थ ज्ञान का जो विषय क्या है, रस्सी ही है। यथार्थ ज्ञान का विषय दैट इज ऑब्जेक्ट इसको कहते हैं, या यथार्थ ज्ञान के विषय को प्रमेय कहा जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यथार्थ ज्ञान के जो विषय है, ऑब्जेक्ट है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रमेय बोलेंगे। अब देखेंगे प्रमाण के द्वारा, प्रमाण के द्वारा जिसका ज्ञान होता है, प्रमाणों के द्वारा जिसका ज्ञान होता है उसे उसे प्रमेय कहते हैं। प्रमाणों के द्वारा जिसको प्रूफ करते हैं उसे हम लोग प्रमेय कहते हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट, है ना। और वैशेषिक दर्शन में, वैशेषिक दर्शन में प्रमेय की संख्या, प्रमेय मतलब पदार्थ की संख्या कितनी मानी गई, 6 मानी गई है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, है ना। तो समझ में आया, प्रमा अप्रमा प्रमेय। प्रमा का मतलब रियल नॉलेज, अप्रमा मतलब वर्चुअल नॉलेज या सुडो नॉलेज, और प्रमेय का मतलब ऑब्जेक्ट, मतलब रस्सी वाली बात कर, रस्सी क्या है, प्रमेय है। रस्सी को रस्सी समझना, उस तरह का ज्ञान होना, रियल नॉलेज होना प्रमा कहलाएगा। रस्सी को रस्सी न समझकर उसका अनरियल नॉलेज या स्यूडो नॉलेज होना, सांप समझना, उसका अप्रमा कहलाता है। और देखेंगे चौथा, चौथा भी इसी से संबंधित है। प्रमाता का मतलब होता है पर्सन, प्रमाता का मतलब होता है व्यक्ति, पर्सन, व्यक्ति या जिज्ञासु व्यक्ति। अब हम लोग बात करेंगे कि किसको रियल नॉलेज हो रहा है, रस्सी को रस्सी कौन समझ रहा है या रस्सी को सांप कौन समझ रहा है। तो यहाँ पर व्यक्ति जो है, जो देख रहा है, जो व्यक्ति, जैसे आप हो, आप चल रहे हो सड़क पे, रस्सी पड़ी हुई है, रस्सी क्या है, प्रमा, रस्सी क्या है, ऑब्जेक्ट है, प्रमेय है, है ना। अब रस्सी को अगर आप प्रॉपर लाइट है, आपकी आंखें सही है, इंद्रिया सही है, तो आप रस्सी को रस्सी ही समझोगे, उसको हम लोग प्रमा बोलेंगे, ठीक है ना। तो और रस्सी को अगर सांप समझ रहे तो उसको अप्रमा बोलेंगे, वो नॉलेज जो मिल रहा है। लेकिन आप जो देख रहे हो, जो आप पर्सन हो, आप पर्सन हो, व्यक्ति हो, जो कि ये जिसको रियल और वर्चुअल नॉलेज हो रहा है जिस व्यक्ति या पर्सन को, वो कहलाएगा प्रमाता। समझ में आया, व्यक्ति क्या है, प्रमाता। तो व्यक्ति या जिज्ञासु व्यक्ति को हम लोग प्रमाता बोलते हैं। जिसे ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे हम लोग प्रमाता बोलते हैं। जो वस्तु प्रमाणों के द्वारा यथार्थ ज्ञान प्राप्त होने के बाद, जो वस्तु प्रमाणों के द्वारा यथार्थ ज्ञान प्राप्त होने के बाद पदार्थ के प्राप्त होने की तथा त्याग करने की इच्छा से जिसकी प्रवृत्ति होती है उसे प्रमाता कहते हैं, है ना। या उदाहरण के तौर पे आयुर्वेद में ज्ञान का जो अधिकरण होता है वो आत्मा है, आत्मा को प्रमाता बोला गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आयुर्वेद में प्रमाता किसे बोला गया, आत्मा को बोला गया, आत्मा को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब तो यहाँ पर हम लोगों ने, अब यहाँ पर निष्कर्ष निकले हैं। तो देखेंगे जो रस्सी है, रस्सी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट मतलब प्रमेय है, रस्सी जो है था ऑब्जेक्ट था, प्रमेय है। लेकिन रस्सी को जो देख रहा है, जो व्यक्ति देख रहा है, वो क्या है, प्रमाता है। जो व्यक्ति इसको देख रहा है, रास्ते पड़ी हुई है, जहां भी पड़ी हुई है, जो देखने वाला पर्सन है उसको हम लोग प्रमाता बोल रहे हैं। अब उसको अगर लाइट सही है, उसकी आंखें सही है, तो रस्सी को रस्सी समझेगा, तो उसको जो नॉलेज होगा, उसको रियल नॉलेज होगा, दैट इज उसको प्रमा बोला जाएगा। जो अनरियल नॉलेज होगा या रस्सी को रस्सी न समझकर सांप समझेगा, उसको हम लोग प्रमाता अप्रमा बोलेंगे। तो उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा आपको। अब चौथा पॉइंट देखेंगे हम लोग कि प्रमाण। प्रमाण का ऑलरेडी हम लोगों ने परीक्षा और प्रमाण की बात किया ही है। परीक्षा और प्रमाण दोनों एक दूसरे के सिनोनिम से पर्यायवाचित है। तो प्रमाण मतलब इपिस्टेमोलॉजी, प्रमाण मतलब इपिस्टेमोलॉजी। तो प्रमेयते अनिति प्रमाणम, जो चक्रपाणी टीका के द्वारा कहा गया है, अर्थात जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान किया जाए उसे प्रमाण कहा जाता है। तो उम्मीद है बच्चों ये वीडियो आपको बिल्कुल ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ अगर अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा कमेंट प्यारा सा जरूर दें। धन्यवाद।